जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आपको कमर और घुटनों के दर्द की वो दवा बता रहे हैं जिससे आप जो नीम हकीम दवाइयां बेच रहे हैं, जो पागल बना रहे हैं, उनसे बच जाएंगे और आपकी जो बीमारी है वो शर्तिया ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको जगह जगह नपुंसक से निजात दिलाने की दवाई के नाम पर इश्तिहार आपको देखने को मिलेंगे। ये लोग नाकाम मर्द निराश ना हो ऐसे विज्ञापन बनाते हैं और ट्रेन में सफर करते हुए शहर में आने जाने से पहले कितने सारे आपने ऐसे विज्ञापन जरूर देखे होंगे। ये नीम हकीम वैद्य और डॉक्टरों के विज्ञापन नपुंसक लोगों को महामर्द बनाने का दावा करते दिखाई देते हैं। समय बदला, लोगों ने टीवी के विज्ञापनों के द्वारा उगाही शुरू कर दी। अब आप देखते होंगे कि टीवी पर अधिकांश लोगों के विज्ञापन आते हैं जो कहते हैं गंजेपन, घुटने का दर्द, कमर दर्द से पीड़ित लोग मिलें, निराश ना हो। और जो गंजे लोग होते हैं या घुटनों के दर्द वाले लोग होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं और ठगे जाते हैं। दोस्तों, आज हमारा वीडियो दिखाने का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से लुटने से बचें और आप अपने कमर और घुटने के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकें। तो चलिए, निश्चित रूप से आयुर्वेद आपको मददगार साबित होगा क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधि हैं जो आपके लिए कारगर होंगी। दोस्तों, आज हम आपको जंगली प्याज का नुस्खा बताएंगे। जंगली प्याज प्याज जैसी दिखने में लगती है, आपको जंगलों में भरपूर मात्रा में ये मिल जाएगी, नहीं तो आप क्या करेंगे, अपने पंसारी की दुकान से इसको ला सकते हैं। अब करना क्या है, आपको करना इतना है कि इसे प्याज की तरह कतर कर शुद्ध सरसों के तेल में तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो काली ना पड़ जाए। 200 ग्राम तेल में जंगली प्याज की सिर्फ 2 गांठें आपको फ्राई करनी है। फिर उस तेल को कपड़ छन करके यानी कि कपड़े में छान कर एक बोतल में सहेज कर रख लेना है और रोज 2 बार घुटनों की मालिश करनी है। दर्द ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। ये घुटनों के दर्द के लिए रामबाण है और आपके लिए पूरी तरह मुफ्त भी है। दोस्तों, आप इस नुस्खे को और लोगों को भी बता सकते हैं। बहुत छोटा सा नुस्खा है, एक बार हम फिर बता रहे हैं। आपको 200 ग्राम तेल में 2 जंगली प्याजें फ्राई करनी है और उनको तब तक फ्राई करना है जब तक कि वो काली ना पड़ जाएं और उसके बाद उनको छान लीजिए कपड़े में से और उस तेल को सुबह शाम अपने घुटनों पर मालिश करके धूप में बैठिए, आप देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।